हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं ये देसी विलेज स्टाइल मटन करी की रेसिपी, जो झटपट प्रेशर कुकर में बनकर तैयार हो जाएगी। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज़। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं 10-15 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हमने गर्म होने देना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे होल स्पाइसेस। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ पहले 1 टीस्पून शाहजीरा का, 2 क्रश्ड ब्राउन कार्डमम, 4-5 ग्रीन इलायची मैंने ऐड करी है इसमें, और 10 लौंग, 10-15 ब्लैक पेपर पाउडर। ऑयल में रहने देंगे इसको 1 मिनट तक। और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी ऑनियन। तो मैंने यहाँ पे 6 ऑनियन लिया है, जिसको मैंने इस तरीके से फाइन स्लाइस कर दिया है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको लो फ्लेम पे, जब तक इसका कलर जो है हल्का ट्रांसलूजन नहीं हो जाता है, लो फ्लेम पे कुक करेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 बे लीफ, 1 सिनेमन स्टिक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी, और लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक अच्छे से कुक कर देंगे, ताकि जो रॉ टेस्ट है जिंजर और गार्लिक का वो चला जाए और ऑनियन भी हमारे अच्छे से कुक हो जाएँ। तो ये देख सकते हैं आप अभी काफ़ी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ड्राई मसाला ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर की, और 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है कलर के लिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे लो फ्लेम पे, और इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून ही मिलाना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 7-8 ग्रीन चिलीज और 5 चॉप टोमेटोज मैंने इसमें लिए हैं, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों को। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर और मिंट के लीव्स, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी ग्रेवी में मटन की, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार सभी इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से, देखिए। अच्छे से मिक्स हो गया है। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है, जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और सारे मसाले हमारे अच्छे से पक ना जाएं, तब तक हमने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मटन मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, और अब हम लिड को कवर करके इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, तब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें ऐड कर रहे हैं मैरिनेटेड मटन। मटन को मैंने सिर्फ सॉल्ट और रेड चिली पाउडर से मैरिनेट किया है। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ इस तरीके से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब जो है फ्लेम हमने लो कर देना है और 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। सो 15 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। अच्छे से एक बार इसको क्विक मिक्स हम देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ऐड कर देंगे हॉट वाटर। तो मैंने 1 ग्लास हॉट वाटर यूज़ करा है। वाटर आपने हॉट ही यूज़ करना है, इससे कुकिंग प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहता है।
जितने की ज़रूरत हो उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके की आपको ग्रेवी चाहिए होगी। अब हम इसको कवर कर देंगे और 4 से 5 विसल्स तक का हमने वेट करना है। मटन अच्छे से डिप हो जाना चाहिए, इतना पानी आप ऐड करेंगे और 4 और 5 विसल्स तक ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए हम देख सकते हैं मटन हमारा एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गया है, ग्रेवी इतनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। सीजनिंग चेक कर लेंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लेमन का जूस, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से एक मिक्स कर देंगे क्विक मिक्स इस तरीके से, और ये हमारे मटन की जो ग्रेवी है देसी विलेज स्टाइल जो बन के तैयार हो गई है। होप आपको ये पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।